आज मैंने ये इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप लुक किया है, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लुक है और इसे क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप किस तरीके से किया जाता है आप बिल्कुल सीख जाएंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई किया था और स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉइस्चराइज़र से। मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नीविया का, आप कोई भी अपना फेवरेट अपने स्किन टाइप के हिसाब से ले सकते हैं। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मौसम कोई सा भी हो, चाहे वो गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, मॉइस्चराइज़र को स्किप आपको नहीं करना है। मॉइस्चराइज़र के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है NYB का, काफ़ी अच्छा प्राइमर है और अफोर्डेबल रेंज का है। आप चाहें तो ब्लू हेवन का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत अच्छे से काम करता है, तो आपको इस तरीके से लगा लेना है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम करेंगे कलर करेक्ट। जहाँ पे भी आपके स्किन में प्रॉब्लम्स हो, जैसे ब्लैमिशेस वगैरह हो, ब्लैक स्पॉट्स हो या फिर डिसकलरेशन की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया जाता है। और अगर आपके स्किन में रेडनेस है या फिर पिंपल्स वगैरह हैं तो वहाँ पे ग्रीन करेक्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे माउथ के आसपास थोड़ा सा डिसकलरेशन है मुझे, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ये नायका का है, इसे मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। और इस तरीके से आपको ब्रश की हेल्प से लगा लेना है, जहाँ पे भी आपको लगे कि स्पॉट्स वगैरह हैं और थोड़ी सी अंडर एरिया पे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस एरिया पे आप अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। जहाँ पे भी आपने करेक्टर यूज़ किया है वहाँ पे अच्छे से डैब डैब करते हुए आपको ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी रगड़िएगा मत, नहीं तो प्रोडक्ट क्या होगा, वो निकल जाएगा उस एरिया से। तो जहाँ पे भी आपने लगाया है वहीं पे हल्का सा डैब डैब करते हुए आपको ब्लेंडिंग करनी है। ये जो ब्रश आप देख रहे हैं ये है पैक का कंसीलर ब्रश। पैक के ब्रशेस काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप अच्छे ब्रशेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पैक के ब्रशेस ले सकते हैं। अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करनी है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे येलो करेक्टर, ये है नायका का। आप चाहें तो कोई सा भी येलो करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको उन एरियाज़ पे लगा लेना है जहाँ पे आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया है, तो इस तरीके से लगा लें और फिर ब्लेंड कर लें। इससे क्या हो जाएगा, जो आपने ऑरेंज कलर लगाया है ना, वो येलो में मिलके थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करेंगे तो उसकी फिनिश अच्छी आएगी। इसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम ले, ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से ब्लेंडिंग होगी तो आपके मेकअप का लुक अच्छा लगेगा, तो अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। अफोर्डेबल रेंज का ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये आपको 300 के अंदर मिल जाता है, इसकी कवरेज भी अच्छी है। अगर आप इसका 2 से 3 लेयर लगा देते हैं तो आपको अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है। यहाँ पे मैंने सिंगल लेयर ही लगाया है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि एक नेचुरल मेकअप के लिए इतना काफ़ी है। अब आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ये फाउंडेशन आपको 2 से 3 शेड में मिल जाएंगे, ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हैं और ज़्यादातर डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये है मेबिन फिट मी का कंसीलर, शेड है 25 मीडियम। तो उन एरियाज़ पे मैं लगा लूँगी जहाँ पे मुझे थोड़ा हाईलाइटेड इफेक्ट चाहिए, तो इसे मैं अपने माउथ के आसपास के एरिया पे, अपने अंडर आई एरिया पे, थोड़ा सा फोरहेड पे और इस तरीके से चिन एरिया के पास भी लगा ले रही हूँ। नेक्स्ट इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कंसीलर में अगर आपको थोड़ा अफोर्डेबल में जाना है तो आप स्विस ब्यूटी का यूज़ कर सकते हैं, उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और बहुत सारे शेड्स में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, जहाँ पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पे अच्छे से पाउडर से सेट कर दूँगी ताकि क्रीजिंग की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने लिया है ईबा हलाल का कॉम्पैक्ट पाउडर, आप चाहें तो लूज पाउडर ले सकते हैं। नेक्स्ट आईब्रोज को मैं फिल करूँगी, ले रही हूँ मैं इनसाइड का आईब्रो पेंसिल।
बस हल्का हल्का सा फिल किया है मैंने, बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामेटिक नहीं बनाया है। अब बारी आती है आई मेकअप की, तो यहाँ पे मैंने लिया है निका के का आई शेडो पैलेट और इससे ये ब्राउन शेड लिया है और इस तरीके से क्रीज लाइन पे अप्लाई किया है। हल्का हल्का सा अप्लाई करना है, एक साथ बहुत ज़्यादा कलर्स ना लें, थोड़ा थोड़ा कलर लें, पहले उसे ब्लेंड करें, उसके बाद और कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये येलो शेड पिक किया है और इसे हाफ आईलिड पे इस तरीके से अप्लाई किया है। बस आपको हल्का हल्का सा ये अप्लाई करना है। ये जो पैलेट है ये हिलारी रोडा का है और काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके बाद निका के पैलेट से मैंने ये थोड़ा डिफरेंट येलो शेड है उसे पिक किया है और इसे जहाँ पे पहले मैंने अप्लाई किया था येलो शेड उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। फिर मैंने ये ब्राउन शेड लिया है और इसे आईज़ के आउटर कॉर्नर्स पे लगाते हुए मैंने क्रीज लाइन को डिफाइन किया है और आउटर कॉर्नर्स को मैंने हल्का सा ज़्यादा डेप्थ दिया है, आप देख सकते हैं। आपको इस तरीके से कलर को डिपॉजिट करना है आउटर कॉर्नर्स पे और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैंने ब्राउन शेड लिया है और लोअर लैश लाइन में इस तरीके से अप्लाई किया है। आप चाहें तो काजल भी लगा सकते हैं बट मैंने काजल स्किप किया है, बिल्कुल ब्राउन शेड को ही हल्का सा लगा लिया है। नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ मैं मस्कारा। यहाँ पे मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का डबल एक्सल लैश मस्कारा। अपने अपर और लोअर लैशेस पे मस्कारा अच्छे से लगा लें क्योंकि हमने काजल वगैरह अप्लाई नहीं किया है, तो अगर आप अच्छे से मस्कारा लगा देते हैं तो भी आँखों का लुक काफ़ी बढ़ जाता है। मस्कारा अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है फेस के कंटूरिंग की। कंटूर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कलर एसेंस का कंटूर और इसे इस तरीके से अप्लाई किया है। जॉलाइन को भी आपको अच्छे से कंटूर करना है अगर आप अपने जॉलाइन को शार्प दिखाना चाहते हैं तो। हमने जो कंटूरिंग की है उसकी ब्लेंडिंग ऊपर के डायरेक्शन में करनी है, आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से कर रही हूँ। और अगर फोरहेड छोटा हो, जैसे मेरा फोरहेड छोटा है, तो मैं अपने फोरहेड की कंटूरिंग नहीं करती हूँ। नोज़ की हल्की से मैंने कंटूरिंग यहाँ पे की है, अगर ज़रूरत लगे वहीं पे आप कंटूर करें। नेक्स्ट बारी आती है ब्लश की, तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्लश। मैंने इस ब्लश को रिसेंटली ही परचेस किया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसकी जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी फाइन है और बहुत ही सटल्ड ब्लश है, तो इस तरीके से आपको ब्लश को लगा लेना है। अगर आप फ्रेश लुक चाहते हैं अपने मेकअप का तो ब्लश लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट मैंने लूज पाउडर लिया है और इस तरीके से जो मैंने कंटूरिंग की है ना उसे हल्का सा शार्प किया है और जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको स्वेट वगैरह की प्रॉब्लम है तो उस जगह पर आप हल्का सा इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये इनसाइड का लूज पाउडर है और ये आपको 200 के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, तो यहाँ पे मैंने ली है 925 की लिपस्टिक और लिपस्टिक के बाद मैंने ये पहन लिया है झुमका और ये है मेरा फाइनल लुक। होप आप लोगों को पसंद आएगा, काफ़ी सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है। अगर आप मेकअप को इस तरीके से करेंगे तो आपका मेकअप कभी भी काला नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे तो हमेशा पहले कलर करेक्ट करें उसके बाद फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करें, इससे आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस लगेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।